स्टार्ट करें। हमने लास्ट टाइम बेटे डिस्कस किया था टॉर्क वाला कंसेप्ट किया था। मुझे टॉर्क का एक्चुअली एक्सप्रेशन चाहिए था, अदरवाइज डायरेक्टली सिलेबस में हमारे है नहीं है बेटा। वी आर टू गो फॉर विद द टॉर्क। आइए बेटे देखें जरा टॉर्क के बारे में बात करके। टॉर्क टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेट प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटे बेटे डियर चिल्ड्रन, ये हमारे सिलेबस में प्रेजेंटली नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्रेशन मुझे चाहिए है। आई विल बी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूं बेटे डिराइव, अदरवाइज ये सिलेबस में नहीं है आपके। आइए बेटे देखें, आपको ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया गया है। इमेजिन इट टू बी प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड बेटा। और आपने ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट लाइन जो हैं ये बना रखी है, मैनेज कर रखी है। और हम इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बेटे कैपिटल बी लास्ट टाइम हमने बोल दिया था। इमेजिन कर लीजिए हमने इसमें एक मैग्नेट प्लेस कर रखा है, बार मैग्नेट रादर बेटा। और ये जो बेटे बार मैग्नेट है इसका जो नॉर्थ है और साउथ है हमने कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनको ओरिएंट करवाना है। अगर आप एक्सटर्नल फील्ड को डियर चिल्ड्रन देखो, आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ अर्थ नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। आप अपना मैग्नेट जो है इसके अंदर जब प्लेस करोगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एट एन एंगल से थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड विद द नॉर्थ पोल ऑन दिस साइड साउथ पोल ऑन दिस साइड, दिस नॉर्थ हैविंग ए पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम एंड दिस साउथ हैविंग ए पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, योर पोलैरिटीज ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रादर। इस पे एक इस तरह फोर्स एक्ट करेगा, इट विल बी इक्वल टू स्मॉल एम इनटू बी बेटा। और अगर आप इस पे बात करोगे इस पे भी एक फोर्स एक्ट करेगा एम इनटू बी। ये एफ जो है ये मैग्नेटिक फोर्स है बेटा और बी जो है इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बेटे आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक, और ये अगर एंगल थीटा है तो इट विल ऑब्वियसली भी थीटा, और आपका इन दोनों फोर्सेस के बीच में ये वाला बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाता है। अगर मैं इसको डियर चिल्ड्रन एक्स बोल दूं, आपका मैग्नेटिक लेंथ जो है इट विल बी 2L बेटा, देन वी कैन बी सेइंग दैट एक्स अपॉन 2L इट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा। यू कैन सी दिस डायग्राम वेरी क्लियरली, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। हमने मैग्नेटिक लेंथ को बाई अवर सेल्फ 2L बोला हुआ है। हम 2 इसलिए लेते हैं बिकॉज बेटे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कई बार हमें डिस्टेंस का हाफ करना पड़ता है, इसीलिए जब आप इस डिस्टेंस को हाफ करोगे तो फ्रैक्शन ना आ जाए कहीं। आई मीन टू से दैट जैसे एक्स आपके पास आ गया ना 2L साइन थीटा आ गया, मान लो आपको इस डिस्टेंस का हाफ करना है किसी स्टेज पे जाकर आगे चल के, तो 2 के साथ आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। अगर आप इसको 2x 2l 2a 2r समथिंग लाइक दैट नहीं लोगे तो फ्रैक्शंस आ जाएंगी। और बेटे फिर हमारा देखो सॉल्व करने में हम फ्रैक्शंस में फंस जाएंगे और हमारा टाइम उधर ज्यादा लग जाएगा, असली कंटेंट हमारा जो है दैट विल बी अ स्टेप बिहाइंड बेटे, राइट। अब डियर चिल्ड्रन बात करेंगे टॉर्क की। टॉर्क को आप टाओ से डिनोट किया करते हो। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट आइदर फोर्स। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स, आपने एम इनटू बी ऑलरेडी कहा हुआ है ये, राइट बेटा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया जी 2L साइन ऑफ एंगल थीटा। बेटे आपने ये सब्स्टिट्यूशन किया, टॉर्क विल बी इक्वल टू एम दिस इज 2L बी एस एच साइन ऑफ एंगल थीटा एस एच। बेटे ये अगर आप ध्यान से देखोगे
दिस इज योर बेटे मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट कैपिटल एम, आपने किया था लास्ट टाइम जब हमने मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कट किया था, कल वाला पीरियड एक बार देख लेना क्लिक करके आप, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू बेटे कैपिटल एम, ये सारा बन गया मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट, कैपिटल बी इनटू साइन ऑफ एंगल थीटा। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में अपना रिजल्ट बनाना चाहें तो भूमिका, यस भव्या, सॉरी भव्या, इट विल बी टाउ वेक्टर इज एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आप ऐसे लिख सकते हो, तो आप इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हो बेटे। अगर नहीं क्लियर किसी को दिख रहा तो साइड पे हो जाए, इधर उधर हो जाइए प्लीज। अब चले जी आगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट प्रेजेंटली इन अवर सिलेबस, सिर्फ क्योंकि ये बेटे हमारा रिलेशनशिप, मुझे ये चाहिए था इसलिए मैंने डिराइव किया है इसको यहाँ पर प्रेजेंटली। सो आइए बेटे आगे चलें विद द डिस्कशन अहेड। यस, बार मैग्नेट के अगर पोल्स को आप अपोजिटली रखोगे ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव प्रोमिनेंट रहेगा, आपका जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट है बेटा, ये क्विकली अपने आप को रीओरियंट करने की कोशिश करेगा, अदरवाइज फिर ये अनस्टेबल रहेगा, नेट फोर्स विल बी जीरो डेफिनेटली। इसमें बेटे देखो, सारे स्टूडेंट्स देख लीजिए, आप अगर एक फोर्स में से दूसरा फोर्स माइनस कर दोगे तो नेट फोर्स तो जीरो ही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे नेट फोर्स हमें नहीं चाहिए, वी आर इंटेंडिंग टू कैलकुलेट आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस बेटे, राइट। चलिए बेटे इसके बाद हमारे अब ये दोनों आर्टिकल्स में जो करने जा रहा हूँ 110% सिलेबस में है और ये दोनों पेपर में आते भी हैं, तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, साथ साथ आप थोड़ा बहुत इसको मैथमेटिकली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, नोट भी कर लीजिएगा, राइट। तो डियर चिल्ड्रन, मेरा पहला आर्टिकल है तो योर मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप बेटा, या ए लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, करंट कैरिंग लूप लिखना चाहिए रादर, ए करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। आप लोगों को डियर चिल्ड्रन याद होगा, सारे बच्चों को याद होगा, हमने कभी ये जरूर बात की होगी कि अगर किसी क्वायल में किसी फेस पे करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो वो आपका फेस जो है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बन जाया करता है, और अगर आपका करंट बेटे डियर चिल्ड्रन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, यस ये क्लॉकवाइज हो गया जी, ये देखिए साउथ बना कैसे, इस मेथड को भी याद रखिएगा, इट इज ए सॉर्ट ऑफ मेमोरी एड, ठीक हो गई बात बच्चों, क्लॉकवाइज बनाओगे तो आपके उस पर्टिकुलर क्वाइल का वो जो क्वाइल का फेस है साउथ बन जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो दैट फेस विल बिहेव लाइक द नॉर्थ पोलैरिटी बेटा। अब बेटे इमेजिन कर लीजिए आपके पास बच्चों ये एक क्वाइल है इन दिस मैनर, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था, मेमोरी एड की बात बता रहा था, इमेजिन कर लीजिए प्रेजेंटली आपके पास एक लूप है और इस लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है ये फ्लो हो रहा है, मतलब अपर फेस पे क्लॉकवाइज है, इट विल क्लियरली इंडिकेट कि अगर क्लॉकवाइज है अपर आपका साउथ एंड लोअर पोलैरिटी आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा बेटा। और बच्चों आपने कल मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट की बात की थी, कैपिटल एम की बात की थी, हमने बोला था इट इज एम इंटू टू एल वेक्टर है ये, और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड रहता है। सो डियर चिल्ड्रन यहाँ पे आपका मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट जो होगा इट विल बी बेटे डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ इन दिस वे,
इसके मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट को पुत्र मैं कैपिटल एम कह देता हूं। समझ आ गई ना बात बेटे? पोल स्ट्रेंथ बेटे देखो, अगर आपका सेम मैग्नेट है तो दोनों पोल्स बेटे बराबर स्ट्रेंथ के होंगे। स्मॉल एम हम पोल स्ट्रेंथ बोल देते हैं और 2L आपका मैग्नेटिक लेंथ है। इट विल बी प्रोबेबली गिवन बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बेटे बिल्कुल, है तो मैग्नेट ही है ना। आप मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ना लेकर उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कह रहे हो, कहने का आपका तरीका है ना। आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चाहिए अपनी कैलकुलेशंस में। दैट्स इट बेटा, राइट राधिका? चलिए फिर आगे चलें। टॉर्क हमने अभी अभी निकाला था बेटा बार मैग्नेट के ऊपर। अब और ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब आपका कोई लूप करंट कैरी करेगा तो ये साउथ और ये नॉर्थ बन गया, तो एक मैग्नेट ही बन गया ये, राइट बेटा? अब आपको याद होगा फ्यू डेज बैक हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर क्वाइल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है याद? सिया, मानविया, अवि, आदित्य, अंशिका, गुंजोत, लक्ष्य, मानविया, रोहन, सक्षम, सुप्रिया। नहीं बेटे वो ठीक है आपकी बात, थम्स अप, बहुत अच्छे कर रहे हैं आप, गुड। मैं ये पूछ रहा था कि टॉर्क का एक्सप्रेशन आपको याद है? टॉर्क, आपको अनम्यूट ही है आप सारे बच्चे, मैंने म्यूट नहीं किया, आप सारे गुड स्टूडेंट्स हैं, आप कभी भी बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप बेटे एक्सप्रेशन किसी भी स्टूडेंट को याद है तो बता दीजिए। आप बताओ पुत्र, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए लूप कैरियिंग करंट प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, याद नहीं आ रहा किसी को भी पुत्र? राधिका? चलो कोई बात नहीं, देखो फिर मैं बता देता हूँ बेटे, कोई बात नहीं, ऐसे कह दो ना सर, आप बताइए। तो टॉर्क आपके पास याद, बेटे जरा करने की कोशिश करिएगा, एन बी आई ए साइन थीटा, यहाँ अल्फा दिया होगा यहाँ पे, राइट? अब डियर चिल्ड्रन यहाँ पे आपका एन 1 के बराबर है, एक ही टर्न लिया है हमने, ज्यादा टर्न तो नहीं ना लिए, एक ही टर्न है। तो टॉर्क आपके पास जो है इट विल बी इक्वल टू एन की जगह मान ले लीजिए बी आई ए साइन थीटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भव्या गुड़िया, टॉर्क हमने अभी अभी निकाला था बार मैग्नेट के ऊपर, एक्सप्रेशन याद है बोल दीजिए। एम वेक्टर इनटू, नहीं क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, इनटू छोटी क्लास में बोलते थे, ठीक है? तो टॉर्क इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या एम बी साइन थीटा। तो बच्चों देखो, हैं तो दोनों एक ही क्वाइल पे एक्ट कर रही, टॉर्क सी है ना, ये एक फॉर्म में है दूसरी फॉर्म में है, इनको ये देखो ठीक बोल रहा है, इसको इक्वेट कर दीजिए ये कहता है, तो आइए इक्वेट कर दें, लेट अस इक्वेट। वी विल हैव एम बी साइन थीटा, इट इज बेटा बी आई ए, बहुत बढ़िया। कौन सा फैक्टर कट रहा है? हाँ जी कट गया, उड़ गया, नहीं कट गया। इट इज ऑल्सो एम इज इक्वल टू आई इन टू ए। सो डियर चिल्ड्रन, मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट ऑफ दिस लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट फ्लोइंग मल्टीप्लाइड बाय द कौन सा एरिया, कौन से वाला एरिया ऑफ द लूप बोलो ना, ये वाला एरिया, दिस, ठीक है? सो दिस इज द वे टू बेटे गो फॉर विद द मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। बेटा आप सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द करंट। अगर करंट आप डबल कर दोगे मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट, अगर करंट हाफ कर दोगे मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट, अगर आप एरिया डबल कर दोगे मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट, अगर एरिया हाफ कर दोगे हाफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इन चीजों को अपने माइंड में रखिएगा। आइए अब आगे चलें। हाँ जी
रेट ऑफ वो ही करंट है। अरे वो ही तो करंट है बेटे, आप मेरी बात एक बार फिर से समझिएगा ध्यान से। आई आपका क्यू अपॉन टी होता है, आई को आप क्यू अपॉन कैपिटल टी भी लिख सकते हो। टी इज द टाइम पीरियड फॉर विच द चार्ज इज रिवॉल्विंग इन द लूप एंड कंप्लीटिंग वन कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक। अगर आप और ज्यादा डिटेल चाहते हो तो और देखिएगा, ये भव्या ये 2πr अपॉन v आ जाएगा, ये सर्कमफेरेंस ऑफ द कॉइल, v वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो आप देख लीजिएगा I will be equal to, क्यों भी छोड़ दो फिर इलेक्ट्रॉन लो, आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, E into V upon 2πr, it will be something like this, directly dependent upon the velocity of the electron moving in the loop, inversely dependent upon the radius of the, क्या कहते हो, दो चीजें हैं बेटे, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, because आपको multiple choice questions आने हैं, हमें हरेक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना है, राइट? कोई भी चीज हम छोड़ नहीं सकते हैं, अगर कोई चीज छोड़ दी वो ही आगे मिलेगी। चलिए बेटे देन इसके बाद अच्छा भी रहता है, नोट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम बेटा। हाँ जी बेटे, नहीं ये वैसे आपको समझाने के लिए था, आप इसको सेपरेटली लिख सकते हो, इसकी जरूरत हमें पड़ती रहेगी। आप करंट के फ्लो का टाइम कह रहे हो, मैं यहाँ पे चार्ज के फ्लो का टाइम कह रहा था बेटा, नहीं मैं चार्ज, आप कह रहे हैं कि अगर करंट जो है वो 5 सेकंड तक कंटिन्यू रखेंगे या 10 सेकंड तक कंटिन्यू रखेंगे, वो बेटे आप जितना टाइम कंटिन्यू रखेंगे उतना टाइम ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करेगा। द मोमेंट यू स्टॉप द करंट इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। करंट कॉन्स्टेंट रखिए, नो प्रॉब्लम, हमें तो ये चार्जेस से मतलब है ना बेटा। अगर आप अपने करंट को स्विच ऑन कर देते हैं, आप 5 मिनट चलाओ, 10 मिनट चलाओ, 1 घंटा, 24 घंटे, उतना टाइम ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप करंट को स्विच ऑफ कर दोगे, फिनिश, चले आगे, हो गया पत्थर। देन बेटे इसके बाद हमारे पास है एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बोहर मैग्नीट्यूड का, और आइए उस पर भी फोकस करके देखें। मैं नेम ही लिख रहा हूं बेटे, बिहेवियर ऑफ एन एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, या सिंपली एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। बेटे बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, सारा ही सारा आपका अंडरस्टैंडिंग वाला है, अभी है हमारे पास टाइम, इजीली हो जाएगा। इमेजिन कर लीजिए हमारे पास एक एटम है, और एटम के सेंटर पे ये न्यूक्लियस पड़ा है, न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज रहता है आपको अच्छे से पता ही है, और इसके राउंड अबाउट ये पुत्र एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आपका किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, हमने मान लिया ये सेंटर नहीं लग रहा, लेट मी ड्रॉ इट एट द सेंटर, रफली ये सेंटर पे है, और आर आपका बेटा रेडियस है इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का, एंड मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपका बेटे ये इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बेटे रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा जी, अरे ई के बराबर कह दो ना, 1.6 बाद में कर लेंगे, राइट? हाँ जी ठीक है ठीक है। अगर करंट इस तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो करंट मस्ट बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट आई उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इफ यू फोकस अपॉन दिस करंट बेटा, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट होता है। हाँ? ये कन्वेंशनल करंट है, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है गुड़िया, बैठे बैठे करवाऊंगा आपको, सेकंड चैप्टर में बात काफी डिटेल में कर रखा है। यस, ये आपका करंट आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा,
इलेक्ट्रिक करंट आपका देखिए क्लॉकवाइज है टॉप फेस से, अगर क्लॉकवाइज है तो विच फेस इट विल बिहेव लाइक? साउथ पोल। ये साउथ आपका अपर फेस बन गया जी, एंड लोअर फेस जो है इट विल बिकम द नॉर्थ पोल। एंड डियर चिल्ड्रन, मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट ऑफ दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ दिस न्यूक्लियस इट विल बी आई इंटू ए। और डियर चिल्ड्रन आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हुआ करता है, और आई को आप बेटा ई अपॉन टी लिख सकते हो। और बेटे टी को हमने अभी अभी क्या लिखा था, ये लिखा था, रीअरेंज कर लीजिए, ईवी अपॉन टू पाई आर कर लें। ठीक लग रहा है आपको ऐसे? आपके पास ये उतर जाता है तो दीजिए कोई बच्चा। ओके थैंक यू। ये देखो बेटे मेरे हाथ में कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है, आपको किधर लग रहा है? ये क्लॉकवाइज लग रहा है। अब जरा देखना राइट, अगर एक फेस इसका क्लॉकवाइज है तो दूसरा अपने आप आपको दूसरे फेस से उल्टा लगेगा। अब यहां पे हमने कहा था कि करंट आपका क्लॉकवाइज ऐसे राइट, इट विल मीन दैट ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ बन गया बेटा, पेन दीजिएगा। और इस केस में बेटा आपका जो है आई आपका निकल गया, आपको मैंने इंटीमेट भी कर दिया बेटा कि ये आपके पास कॉइल है और वो रिसेप्शन पे ही आने को बोल रहे हैं, और आपका बेटे आई निकल आया। एंड डियर चिल्ड्रन ए जो है आपका दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बेटा, आर रेडियस है बेटे आपका, तो एरिया पाई आर स्क्वायर करके आप निकाल लोगे। आपने ए की वैल्यू भी और आई की वैल्यू भी इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है बेटे, यू विल बी गेटिंग एम इज इक्वल टू बेटा ई इंटू वी अपॉन टू पाई आर इंटू पाई आर का स्क्वायर बेटा। सो बेटा डियर चिल्ड्रन आपके पास फिर ये क्या चीज बन गई जी, आपके पास ये पाई कट गया, एक आर आपका एडजस्ट हो गया जी, कैपिटल एम बेटे कितना बन गया जी, वन बाई टू ई वी एंड आर आपके पास रिलेशनशिप आपको बेटा मिला। अब देखो बेटे हम इस रिलेशनशिप को फर्दर सॉल्व करेंगे तभी हमारे पास कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रिजल्ट हमें मिलेगा। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में बेटे बोहर्स थ्योरी डिस्कस की थी, और वहां पे आपने बेटे बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन जरूर डिस्कस कर रखी होगी बेटा। तो लेट मी बेटे इंट्रोड्यूस, हाँ जी बेटे हमारा फिजिक्स में भी है, आपका केमिस्ट्री में भी है, दोनों में है, लेकिन है तो एक ही चीज ना। सो बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन बेटा, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, इसमें आपका एंगुलर मोमेंटम एल आपने याद होगा आप लोगों को, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई हुआ करता है। एल आपके पास बेटे एम इंटू वी इंटू आर भी हुआ करता है ना पुत्र? तो आप इन दोनों को डियर चिल्ड्रन इक्वेट कर दीजिए, इट विल बी एम वी आर एन एच अपॉन टू पाई। और बेटे आपको देखो वी आर यहाँ पे चाहिए, ई तो है ही है, इधर ही है नहीं, हम कर नहीं सकते हैं, इट विल बी एन एच अपॉन टू पाई वी एन टू आर चाहिए एम। आप ये वाली वैल्यू जो है वी एन टू आर का इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा राधिका, क्लियर? तो आइए सब्स्टिट्यूट करके देखें। और हाँ जी बेटे करिए करिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आराम से करिए, लेकिन करिए, कोई पॉइंट आपको नहीं पता चला पूछिए, बार बार पूछिए। एक बात आपको 100% बता दूं, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा कुछ ना कुछ, बोर्स क्वांटाइजेशन ये बेटे आपको बताती है कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, बस इतनी बात याद रखनी आपको।
समझा रहा है अच्छे से। नहीं, माड़ी मोटी नहीं, आप अच्छी समझा रहे हैं। चलें जी आगे, नोट कर लिया आपने? हाँ जी बेटे, मैं नाम भूल गया इधर, है अभिषेक। ओके चले फिर आगे। सो ये वाला पार्ट रद्द कर रहा हूँ बेटे मैं, ठीक है? यहाँ पे इधर वाला कर दूंगा। ओके सो आइए बेटे, डियर चिल्ड्रन वैल्यूज पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। आपके पास ये था, कैपिटल एम इज इक्वल टू 1/2 ई, आपका बेटे एस सच है ही है, इसको हमने कुछ भी नहीं कहा। वी इंटू आर की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की, एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम, ये आपके पास आ गया जी। अब आप बेटे डिनोमिनेटर को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे। वी विल बी गेटिंग दैट एम इज इक्वल टू बेटा आपके पास बेटे देखो, एन को छोड़कर बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। एन आपका अगर ऑर्बिट 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, है ना बेटे? तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, एन इंटू ई एच अपॉन 4 पाई एम। जरा देखिएगा एक्सप्रेशन आपको देखने में कैसा लग रहा है। हाँ जी पुत्र, ऐसे एच आपको पता नहीं, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट गुड़िया। अरे बेटे बहुत बार किया था हमने तो, ये लॉकडाउन ने थोड़ा नुकसान कर दिया हमारा। एच इज इक्वल टू 6.625, 10^-34 जूल सेकंड, प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा, 11th स्टैंडर्ड में आप मान लिया, कभी जा रही है कभी आ रही है। अच्छा ओके, एच आपका बेटे प्लैंक्स कांस्टेंट, और डियर चिल्ड्रन ई आपको पता ही है, राधिका बोल रही थी कितना होता है ई, और पाई पता है, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10^-kg, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे अगर हम, ये सारा कांस्टेंट ही रह जाएगा। इस कांस्टेंट को बोल देते हैं बोहर मैग्नीटोन, म्यू बी के साथ इसको डिनोट करते हैं। आइए देखें, सोचें और समझें इसके बारे में। ये बेटे आपकी जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है ना, इट इज कॉल्ड म्यू बी, बोहर मैग्नीटोन इसको बोलते हैं, ई एच बाई 4 पाई एम। दिस बेटे ये याद रखना है आपको, बोहर मैग्नीटोन, दिस इज द मैग्नेटिक डाइपल मोमेंट ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट। अगर सिंगल से ज्यादा होंगे तो आप, आइए मैं आपको बता देता हूं बेटे थोड़ा सा रिलेशनशिप को मॉडिफाई करके, दैट हाउ वी विल बी गेटिंग दिस, एम इज इक्वल टू एन इंटू म्यू बी कर लीजिए। अगर आपके पास एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एन 1 आ जाएगा, 2, 3, 4 आप ऐसे इसको मैनेज कर सकते हैं। सो आप इसको वेक्टर क्वांटिटी जरूर लिखोगे, बोहर मैग्नीट्यून है ये आपका, और म्यू बी की न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर याद रखिएगा, म्यू बी 9.27 10^-24 एम्पियर मीटर स्क्वेयर, दिस इज ऑलवेज टू बी केप्ट इन माइंड। राइट बेटे, डियर चिल्ड्रन, सारे बच्चों को भूमिका, भव्या सॉरी भव्या, बोलो पुत्र बोलो। बोहर मैग्नीटोन, ये इसकी वैल्यू को जो हमने कांस्टेंट असाइन किया है ना म्यू बी, उसका नाम रखा है बोहर मैग्नीटोन। हाँ जी अभिषेक जी, अच्छा पता लग गया है, बहुत बढ़िया बात है। सो बेटे ये आर्टिकल आपका एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता रहा है, और कुछ ना कुछ इसके साथ रिलेटेड वी एक्सपेक्ट एवरी टाइम एवरी ईयर बेटा। राइट बेटा, देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, कोई बात नहीं पता चली तो बताइए। आज के आपके दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपका इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेट, और ये वाला एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। यस बेटे, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे बेटा, थैंक यू ऑल, प्लीज कीप सिटिंग फॉर अ मिनट, लेट द बेल गो, देन यू विल बी फ्री। हाँ जी, न्यूमेरिकल अगर